हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचेंटर्स. मैं आपकी होस्ट आप हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचेंटर्स. मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस. तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस. तो बने रहे मेरे स्टूडियो पर. और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ. सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपियर हुए हैं गाइस. एस ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द सन वाली एनर्जीज के साथ. तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज में है एंड देर इज़ नो डाउट इन इट. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक सेलिब्रेटिंग मोड ये इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर लिटरल वेज पर आप दोनों एक सेलिब्रेशंस में बने हुए होंगे. जो बातों का या कन्वर्सेशन का जो एक्सचेंज है वो बहुत ही ब्यूटिफुल वेज में प्रेजेंट हो रहा होगा एक दूसरे की तरफ. बट यहाँ पर आपने इनकी तरफ जो भी ऑफर या प्रपोजल भेजा है या इवन इन द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन भी अगर आपने इनके सामने जो भी बातें रखी हैं उस चीज़ के लिए ये अभी शायद हो सकता है श्योर नहीं है. अगर बात इन्विटेशन की है गाइज, मान लो अगर आपने इन्हें कहीं पर इन्वाइट किया है तो इन्होंने आपको हामी तो भर दी होगी आपके लिए, मतलब उस ऑफर के लिए या इन्विटेशन के लिए इन्होंने हामी तो भर दी होगी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड दे आर जस्ट रेजिस्टिंग देमसेल्व्स. जहाँ पर ये अभी हो सकता है अपने एंड पर बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. इनकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होंगे कि करंट कंडीशन या सिचुएशन इनकी लाइफ की ऐसी होगी जहाँ पर ये आपका दिया गया प्रपोजल, ऑफर या इन्विटेशन अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. बहुत लोगों के लिए ये एक जॉब ऑफर भी हो सकता है. अगर आपने इनके साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करना चाहा है, एक प्रोजेक्ट कह लो या कोई काम कह लो, तो उस काम के लिए ये कम्प्लीटली खुद को रेडी नहीं मानते. मे बी इनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन होगी जहाँ पर ये अभी भी स्टिल वर्क कर रहे होंगे गाइज, और ये खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड मानते नहीं हैं. इनके कुछ गोल्स होंगे, कुछ हालात होंगे इनकी लाइफ के जो ये आपसे पूरी तरीके से शेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी तरफ से प्रेजेंट किए गए प्रपोजल या ऑफर को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. उस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि आपके पर्सन खुश बहुत हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, और इन्हें ये भी लगता है कि आज नहीं तो कल कभी तो ये खुद को प्रिपेयर बना लेंगे, उस पर्टिकुलर से ऑफर को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में खुद को लेकर आएंगे. तो मे बी दे आर वर्किंग ओवर समथिंग, यही इनके थॉट्स में अभी चल रहा है कि मैंने हामी तो भर दी है. अगर लिटिल वेज में भी इन्होंने आपको 10% भी हाँ कह दिया है तो बैक ऑफ द माइंड ये यही सोच रहे होंगे, तो मैंने हाँ तो कह दिया लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, इट्स नॉट ईजी. मुझे पूरा फोकस लगा कर यहाँ पर अपना हार्ड वर्क या डेडिकेशन रखना पड़ेगा टू अचीव दैट प्रपोजल या जो भी आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया है. अगर मान लो बहुत लोगों के लिए ये एक यूनियन की प्लानिंग है या रीयूनियन की प्लानिंग है, और आपके पर्सन ने अगर आपकी तरफ वो हाँ प्रेजेंट कर दिया है लेकिन सच में ये उस यूनियन या रीयूनियन के लिए अभी पूरी तरीके से फुल्ली रेडी नहीं है, फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन मिराकुलसली एट देयर एंड, ताकि ये बिना किसी हेसिटेशन के आपकी तरफ आगे बढ़ सके. ये एक तरह का सेल्फ लो एस्टीम भी हो सकता है जहाँ पर आपके पर्सन खुद में खुद को कैपेबल इनफ नहीं मानते कि ये आपके सामने सच में लिटरली कुछ प्रेजेंट कर सकेंगे. तो इन्हें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने लाइफ में, खास करके फाइनेंसिस को लेकर. अगर आपके पर्सन खुद को कैपेबल इनफ नहीं मानते हैं तो ये ज़रूर अपने हालात, अपने कंडीशंस, फाइनेंशियल वेज पर स्ट्रॉन्ग बनाकर ही आपसे मिलना चाहते हैं. तो ये चीज़ है गाइज यहाँ पर. ऑन द हार्ट स्पेस ये आपके बारे में क्या सोचते हैं. नाइन ऑफ वॉन्ट्स, द टावर, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हैं. तो ऑफकोर्स आपके तरफ से इन्हें जो भी सुनने को मिला है गाइज, इन सारी चीज़ों को शायद इन्होंने गॉड से या यूनिवर्स से मांगा था, मैनिफेस्ट किया था. इस इवेंट को इन्होंने मैनिफेस्ट किया था
कि अगर मान लो यहाँ पर बहुत लंबा सेपरेशन चल रहा था गाइस, और आप इनकी तरफ बिल्कुल भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रख रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन आपने इनकी तरफ कोई एक्शन रखा है, कोई कम्युनिकेशन आप लेकर आए हो। जैसे कि आज हमने एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज डिस्कस की थी कि आप द व्हील वाली एनर्जीज में थे, और आपने बहुत सारे पुराने ग्रजेस को रिलीज करके इस पर्सन के लिए बिल्कुल ही एक फ्रेश स्टार्ट रखा होगा गाइस, जो आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी टाइम से ऐसी ही किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर ऐसी किसी चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कोई इन्हें एक्शन देखने को मिले, आपकी तरफ से कोई प्रपोजल इन्हें मिले। जब ये इनकी आंखों के सामने होता हुआ इन्हें नज़र आ रहा है, तो दे आर रियली वेरी हैप्पी, दे आर रियली वेरी यू नो सरप्राइज्ड विथ लाइक लॉट ऑफ ब्यूटिफुल ब्लॉसमिंग एनर्जीज अराउंड हिम। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, जो भी अभी आप दोनों के बीच में जिस तरह की भी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, ये इस टाइम को भी इंजॉय कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मे बी दे आर वर्किंग ऑन समथिंग। यहाँ पर सेवन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं आप इनका इंतज़ार करें, आप यहाँ पर पेशेंटली बने रहें, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे गाइस, आप अगर इनकी तरफ कुछ प्रेजेंट करते हो और ये प्रॉपर वेज में अगर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आप बदल जाते होंगे, मतलब आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते होंगे। आप इनसे ये कहते होंगे कि अगर आप नहीं कर सकते तो रहने दो, वी आर नॉट डूइंग इट, या फिर वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। इस तरह से अगर आप अपने प्लान्स चेंज करने वाले पर्सन हो, तो आपके पर्सन को इस बात से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं आप दोबारा से अपना माइंड चेंज ना कर बैठें, क्योंकि ये कहाँ पर स्टक हैं इनको पता है, इन्होंने हो सकता है आपको बताया नहीं, और ये इसी उम्मीद में बने हुए हैं कि अब मेरी जो डिवाइन फेमिनिन मेरी तरफ आगे बढ़ रही है, अब ये वापस पलट कर मुझे छोड़कर ना जाए, इसी तरह से इसी एनर्जी में बनी रहे। तो ऐसी विश आपके पर्सन यहाँ पर रखते हैं गाइस, बट दे आर रियली वेरी हैप्पी कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से शुरुआत हो चुकी है। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक न्यू बिगिनिंग। तो अगर आपने इन्हें रोमांटिकली प्रपोज किया भी है, तो इस प्रपोजल को ये खोना नहीं चाहते, मतलब हो सकता है बहुत ही एक लंबे इंतज़ार के बाद ऐसी बातें आपने इनसे कही होंगी, वरना आप बदल गए थे, आपने इनकी तरफ किसी तरह का कोई अटेंशन रखना छोड़ दिया था, आपने अपनी कन्वर्सेशंस को बहुत ही लिमिट कर लिया था, आप किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रख रहे थे इनकी तरफ। तो अब जब आप कम्प्लीटली यहाँ पर एक रोमांटिक पर्सन की तरह इन्हें शो हो रहे हो, और आपने इन्हें प्रपोज भी कर दिया, तो आपके पर्सन अभी ऐसी कंडीशंस में होंगे कि ये लिटरल वेज में आपका वो जो ऑफर है या प्रपोजल है एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने आपको एक तरह से लिम्बो में छोड़ दिया होगा, यानी कि इन्होंने ना हाँ कहा है ठीक से, ना ही इन्होंने मना किया होगा, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और ये भी चाहते हैं आपके पर्सन कि आप भी इनका इंतज़ार करें, आप इन सारे थॉट से मूव ऑन ना कर पाएँ, और यही ये चाहते हैं कि आप जस्ट होल्ड डाउन, वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं अभी राइट नाउ। अब देखते हैं कि ये इस कनेक्शन में एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं गाइस, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ कॉइन्स, द डेविल एंड द हैरोफेंट। तो आपके पर्सन सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आपसे ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप इस कनेक्शन को डिजायर करते हो या एडोर करते हो, जिस तरह का भी आप यहाँ पर एक पोटेंशियल देखते हो, इनका भी वही मानना है। मतलब जो भी आप यहाँ पर फील करते हो, अगर आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड है, तो आपके पर्सन को भी लगता है यस इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। अगर आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ब्लॉसम होगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हम यू नो कॉन्कर करेंगे वन बाय वन, हम एक कम्प्लीशन ज़रूर यहाँ पर अचीव करेंगे, बहुत लोगों के लिए एक कम्प्लीशन मैरिज बॉन्ड हो सकती है गाइस। अगर आप दोनों का सपना यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज बॉन्ड में एंटर होना चाहते हैं, तो आपके पर्सन का भी एग्जैक्टली सपना वही है, और आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, और ये यही शो करना चाहते हैं आपको कि जब आप नहीं थे इनकी लाइफ में, तब भी ये आप ही के लिए इंतज़ार में बने हुए थे,
यानी कि अगर यहाँ पर एक सेपरेशन हो चुका है गैस, तो आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आपसे कि तब भी ये आप ही के लिए अवेटेड थे और आज भी ये आप ही के लिए अवेटेड हैं और हमेशा रहेंगे, तब तक जब तक आप दोनों की एक कंप्लीशन यहाँ पर नहीं हो जाती। तो चीट ये भी नहीं कर रहे हैं आपसे और ना ही ये आपको आप पर गिव अप कर सकते हैं। अगर आपको इनकी लॉयल्टी पर शक था, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर आपको ये श्योर नहीं कि ये कंटिन्यू कर भी पाएंगे या नहीं इस कनेक्शन को, तो द आंसर इज ये इस कनेक्शन पर उसी तरह से वर्क करना चाहते हैं जिस तरह से आप करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर एक शादी को फाइनल डेस्टिनेशन मान रहे हो, तो आपके पर्सन भी यही मानते हैं गाइस। ऑफकोर्स आपके पर्सन अभी एक तरह की ऐसी कंडीशन में है, फोर ऑफ कॉइन्स एंड द डेविल टॉक्स अबाउट, कि ये किसी कार्मिक एंगल में स्टक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ तो ऐसी सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें कम्प्लीटली अलाउ नहीं कर रही है। बहुत लोगों के लिए पैसा हो सकता है, कि पैसा इनकी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कि जॉब इन्हें नहीं मिल रही होगी, या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो होंगे, या इनके कुछ ड्रीम्स होंगे जिस पर ये काम कर रहे हैं और ऐसी सूरत में किसी रिलेशनशिप को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तो या फिर लिटिल एक कोई थर्ड पार्टी एंगल या सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर कोई इंसान इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होगा, या इन्हें अपना सारा टाइम मनी जो भी है उन पर्सन को देना पड़ता होगा, यानी कि जो भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर इन्हें खर्च करना पड़ता होगा और इनके पास एट द एंड कुछ नहीं बचता होगा कि ये कोई रिलेशनशिप अफोर्ड कर सके। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। और जो काफ़ी अदर लोग हैं, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब तक ये खुद को ग्राउंडेड नहीं मान लेते, कि जब तक इनको ये नहीं लगता कि यस आई कैन जस्ट गो फॉर दिस कनेक्शन टू मेंड, या फिर जो भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात है यहाँ पर, तब तक मैं नहीं ले जाऊँगा या ले जाऊँगी जब तक मैं अपने आप को पूरी तरीके से ग्राउंडेड नहीं मान लेता। तो आपके पर्सन के एग्जैक्ट थॉट्स यही है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई और कनेक्शन है यहाँ पर, थर्ड पार्टी एंगल है, तो ज़रूर आपके पर्सन वहाँ से खुद को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे। और यही वजह है कि दे रियली वॉन्ट यू टू वेट। जब तक ये नहीं आ जाते, तब तक ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें, आप मूव ऑन ना करें, यहाँ पर बने रहें, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी सीरियस। ये यही आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर, और ये भी वही सारी चीज़ें चाहते हैं जो आप चाहते हो। तो अब देखते हैं गाइस कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द मैजिशियन, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ कॉइंस, द एम्परर एंड टेन ऑफ कॉइंस। तो गाइस यहाँ पर कुछ टाइम तक हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन जैसे जिस पेस में चल रहा है वैसे ही पेस में चलता रहेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए उसी तरह से क्यूरियस रहोगे, पैशनेट रहोगे, और एक दूसरे पर गिव अप बिल्कुल नहीं करोगे। इंतज़ार भी यहाँ पर ज़रूर आप दोनों ही रखोगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फ्रेम में हो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आज बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने पास्ट के ग्रेजेस को पूरी तरीके से रिलीज करके इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत ज़रूर रखी है। जब आपने अपने पास्ट सारे इवेंट्स को उस स्लेट से इरेज कर दिया है, तो आप ज़रूर उन सारे इवेंट्स को भूल जाना चाहते हो, और अभी जो भी कुछ करना चाहते हो वो फ्रेशली आप दोबारा से रीराइट करना चाहते हो यहाँ पर एवरीथिंग एक ब्यूटीफुल मैनर में। जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई थी उन सारी चीज़ों को अब आप दोहराना नहीं चाहते। तो आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस पर्सन के लिए, क्यूरियस हो, और इस पर्सन से आप भी गिव अप नहीं कर सकते। तो आप अपने हो सकता है यहाँ पर इंतज़ार रखना या फिर इस पर्सन के लिए पेशेंटली बने रहना ही एक समझदारी समझ रखी होगी, और बाकी सारी चीज़ें आपने डिवाइन और यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया होगा। आपको पता है कि जो सब्र करता है, जो पेशेंस में बना रहता है, उसे कभी हार नहीं मिलती, वो हमेशा जीत जाता है एट द एंड। तो यस, आप
कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो यहाँ पर, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आप बने रहना चाहते हो गाइस। और एग्जैक्टली यहाँ पर होने भी यही वाला है कि आपके पर्सन आपका अटेंशन हमेशा अपनी तरफ बना कर रखेंगे, मतलब ये आपको कहीं और भटकने नहीं देंगे। मतलब इस बात की आप गारंटी ले सकते हो कि आपके पर्सन लाइक अभी इतने ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर कि ये आपका ध्यान या फिर आपका माइंड सेट हटने नहीं देंगे। ये चाहेंगे कि आप इन्हीं की तरफ बने रहें, इन्हीं को अटेंशन दें, और जो भी आपने जैसी भी बातें इनसे कही हैं वो सारे प्रोमिसेस आप इनकी तरफ निभाते रहें, आप इन्हें छोड़कर ना जाएं। और ये सब चीज़ें बरकरार रखने के लिए आपके पर्सन को जो भी करना होगा आपका अटेंशन बना कर रखने के लिए ये सब कुछ करेंगे गाइस। तो आपको खुश रखने की जिम्मेदारी इनकी है, तो हो सकता है टाइम टू टाइम ये ऐसे जेस्चर्स या कम्युनिकेशंस आपकी तरफ लाते रहेंगे जहाँ पर ये आपको एहसास दिलाएंगे कि दे आर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग हियर, दे आर इक्वली इन्वेस्टिंग हियर, यू आर नॉट अलोन हियर। तो इस तरह से आपके पर्सन हो सकता है एक जेस्चर या एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी, तो इवेंचुअली यहाँ पर एक जो टेम्परेंस है आप दोनों के बीच में वो मेंटेन रहेगा, एक इक्वल जो गिव एंड टेक है वो बैलेंस्ड रहेगा। मतलब जब कोई दो लोग कनेक्शन पर इक्वल वेज में वर्क करते हैं गाइस, तो वो कनेक्शन फेल नहीं होता। मतलब वो कहते हैं ना, गाड़ी दो पहियों पर ही चल सकती है, तो ऑफकोर्स दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर सही से मेंटेन रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, तभी आप दोनों ही यहाँ पर एक टेम्परेंस देख पाओगे। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर अश्योर कर रहा है गाइस कि आपके पर्सन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, दे विल टेक दैट चार्ज इन देयर हैंड्स, के ये आपको खुश रख सकें, आपको बैलेंस्ड रख सकें। जब तक कि ये कुछ अचीव नहीं कर लेते, जब तक इनके कुछ जो गोल्स हैं ये उन्हें पूरा जब तक नहीं कर लेते, तब तक ये यहाँ पर इक्वली आपको संभाल कर चलने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं गाइस, यही इनका प्रॉमिस है। और हमने एक और एनर्जी देखी थी आज, एनर्जी थीम फॉर टुडे में रीबर्थ की एनर्जी हमने देखी थी। तो रीबर्थ टॉक्स अबाउट द रीजनरेशन ऑफ द कनेक्शन, रिक्रिएशन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर बहुत कुछ रिक्रिएट कर रहे हो आप दोनों मिलकर, जो भी कोलैप्स्ड हुआ था दोबारा से उसको रीबिल्ड कर रहे हो। अगर पिछले दिनों इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के बीच में हो चुके थे कि आप एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे थे गाइस, तो आप दोनों अभी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड्स में हो कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होंगे, और इनको भी पता है कि पिछले दफ़ा बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हुई थी, अब हम उन सारी मिस्टेक्स को दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, रादर हम इस कनेक्शन को रीजेनरेट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे ब्यूटिफुल अंदाज में, ताकि हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकें जो भी हम यहाँ पर चाहते हैं। तो टेन ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट द विक्ट्री, आप दोनों इस कनेक्शन को जीतना चाहते हो, मतलब दोनों ही का यही इंटेंशन है और दोनों ही का गोल यही है गाइस, दोनों ही हारना नहीं चाहते यहाँ पर, जीतना चाहते हैं इस कनेक्शन को। तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ तो ब्यूटिफुली शिफ्ट हो रहा है, शायद ये इस चीज़ का एक इशारा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के लिए मेंड हो रही हैं, पिछले सारे ओल्ड साइकिल्स पूरी तरीके से एंड हो रहे हैं, और जो नए फ्रेश साइकिल्स हैं यहाँ पर बिगिन हो रहे हैं, जो प्रॉमिस देते हैं आपको कि कुछ बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल सा स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, तो जब कुछ स्टार्ट हो चुका है उसने कंप्लीशन की तरफ पहुँचना ही होता है गाइस, तो यहाँ पर मैं एक ब्यूटीफुल कंप्लीशन देख रही हूँ। तो जिस किसी के साथ भी आज का ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या ये सिनेरियो आप लोगों के साथ अभी चल रहा है। ऑलराइट, और इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।